मैं तो खुदावन के कलाम में यीशु मसीह जब मंदिर से निकल रहा है तो उसने यरूशलम को देखा और उसने यरूशलम को देखकर क्या उसने यरूशलम को देखकर कहा कि तुम यह सब जो देख रहे हो मैं तुमसे सच कहता हूं यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाए। उसके बाद खुदा की कलाम में लिखा है यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि प्रभु तेरे आने का और जगत के आने का चिन्ह क्या होगा। मैं तो हम में से बहुत सारे हैं जो इस बात से परेशान होते हैं और इस बात से विचलित होते हैं और इस बात को लगातार सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। और हम बातों बातों में कई बार कहते भी हैं कि देख रहे हो अब यीशु मसीह के कलाम की बातें पूरी हो रही हैं, क्योंकि जाति जाति पर चढ़ाई कर रही है, राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, देश देश पर चढ़ाई कर रहा है। इसलिए अब यीशु मसीह के आने का समय निकट है। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे भविष्यद्वक्ता हैं जो भविष्यवाणियां भी करते हैं। मैं तो आपने सुनी नहीं सुनी लेकिन मैंने जरूर सुनी है कि कई लोगों ने कई बार ऐसी भविष्यवाणियां करी हैं बकायदा डेट के साथ कि इस डेट पे यीशु मसीह आ जाएगा, और बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता हैं वर्ष के साथ कि इस वर्ष में देखना ऐसा होगा कि इस वर्ष में जो है वो संसार का अंत हो जाएगा। मैं तो निश्चित तौर पर आज की संध्या पहली बात मेरी आपके जीवन की यह है कि मैं तो खुदावंद यीशु मसीह खुद सीधी सीधी बात कहते हैं जब यीशु मसीह के चेले यीशु से पूछते हैं कि प्रभु उस समय का वो समय कब आएगा तू हमें बता, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं कि उन समय और उन कालों को जानना तुम्हारे बस की नहीं है अपितु उसे तो मैं भी नहीं जानता। मैं तो जिस चीज को यीशु मसीह खुद भी नहीं जानता यीशु इस बात की गवाही देता है कि यीशु ने खुद भी पिता से नहीं पूछा, पिता ने ये अधिकार जो है वो अपने हाथों में सुरक्षित रखा है। तो मैं तो कोई मनुष्य कैसे यीशु के आने की भविष्यवाणी कर सकता है? इसलिए मसीह यीशु कहते हैं अंत का समय ऐसा होगा कि बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे जो कहेंगे यीशु यहां है और यीशु वहां है। मैं तो खुदाई कलाम में लिखा है लोग तुम्हें मेरे नाम से क्या करेंगे? सताएंगे। तुम्हारे लोग तुम्हारे अपने तुम्हें एक दूसरे को पकड़वाएंगे। मैं तो आज भी बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि जिसकी जिससे लड़ाई हो गई, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। एक बड़े पादरी की एक छोटे पादरी से लड़ाई हो गई, अलग अलग चर्चेस के। तो जो बड़े पादरी साहब थे उनके अच्छे कॉन्टैक्ट थे, उन्होंने छोटा पादरी जो था वो छोटी सी कलीसिया चलाता था, तो बड़े पादरी साहब ने पुलिस में इंटेलिजेंस में वो उनकी कंप्लेंट की कि देखो ये कन्वर्ट कर रहा है, कहां की दुश्मनी कहां निकल रही। मैं तो ये अंत समय है और इस अंत समय में बहुत कुछ होना बाकी है। खुदा ही कलाम लिखा है कि लोग तुम्हें सताएंगे लेकिन तुम उसे आनंद की बात समझना। मैं तो मैं और आप जगह जगह सुनते हैं कि यहां मसीह यीशु के नाम से लोगों को सताया जा रहा है, यहां मसीह यीशु के नाम पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, यहां चर्चिस को जलाया जा रहा है। मैं तो निश्चित तौर पर जान लेना मुझे और आपको लगता है कि वो कर रहे हैं, वो सता रहे हैं, शत्रु सता रहा है, शत्रु मार रहा है। लेकिन मैं तो बिना परमेश्वर की आज्ञा के और बिना परमेश्वर की इच्छा के इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। मैं तो कई बार लोग प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं, कई बार लोग ज्ञापन देने की बातें करते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि मसीहों को भी अपनी सेना तैयार करनी चाहिए, जवानों को भी अपनी सेना तैयार करनी चाहिए, जैसे और जाति और धर्मों में सेनाएं हैं लड़ने के लिए वैसे ही
क्रिश्चियन जवानों को भी तैयार रहना चाहिए लड़ने के लिए। मैं ही तो निश्चित तौर पर वो खुदावन के कलाम की अपोजिट बातें हैं। मैं तो मुझे और आपको तो अगर मैं और आप मसीह यीशु के नाम से सताए जाते हैं तो मुझे और आपको आनंद की बात समझनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक चिन्ह है मसीह यीशु के इस संसार में पुनः आने का। मैं तो बिना खुदा की इच्छा के निश्चित तौर पर जान लेना खुदावंद के लोगों को कोई छू नहीं सकता। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद यीशु मसीह ही है। कई बार फरीसी और सदूकियों ने और कई बार जो है लोगों ने यीशु को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन यीशु उनके हाथ ना आया। जब वो गसवनी के बाग में यीशु मसीह को पकड़ने जाते हैं, यीशु मसीह खुद एक बड़ी बात कहते हैं तुम मुझे डंडे और तलवार लेकर क्यों ढूंढते हो? क्या जब मैं चौराहों में था, जब मैं भीड़ में था, जब मैं पब्लिक में था, क्या तब तुम मुझे ना पकड़ सकते थे? अब तो पकड़वाने वाले तेरा समय आ पहुंचा है। अब तो मैं अपने आप ही चल रहा हूं भाई तुम्हारे साथ, तुम इतना परिश्रम मत करो। मैं तो वो परमेश्वर की ही इच्छा थी, इसलिए यीशु मसीह सताए गए। मैं तो ऐसे ही अंत समय में मसीहों का सताया जाना मसीह के नाम से परमेश्वर की ही इच्छा का एक हिस्सा है, क्योंकि मसीह यीशु के कलाम की वो बातें पूरी होंगी कि बुलाए हुए तो बहुत हैं वरन चुने हुए थोड़े हैं। मैं तो इसीलिए खुदाई कलाम में अय्यूब भी बड़ी सुंदर बात कहता है, जब वो परेशानी में है, दिक्कत में है, पीड़ा में है, निराशा में है और तकलीफ में है, तो उस परेशानी को वो आनंद की बात समझता है। खुदाई कलाम में लिखा है अय्यूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय की 17वीं और 18वीं आयत में हमें लिखा है, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना न देता है, इसलिए कि तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जानना, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता और वही उसके हाथों से चंगा भी करता है। मैं तो निश्चित तौर पर अगर मेरे आपके जीवन में कोई दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, संकट है, तो वो मेरे आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए है, कि मेरा आपका विश्वास परमेश्वर में क्या हो जाए, मजबूत बना रहे, मेरे और आपके विश्वास की परख होने पाए कि मैं और आप अपने खुदावंद पर किस स्तर से विश्वास करते हैं। मैं तो आज जगह जगह मसीहों को सताया जा रहा है। मसीह यीशु ने खुद भी कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थनाएं करो। मैं तो मुझे और आपको तो उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है जो मुझे और आपको सताते हैं। मैं भी तो खुदावंद ने इसीलिए अय्यूब के दोस्तों से भी कहा कि तुम मुझसे क्षमा मत मांगो, मेरे दास अय्यूब से कहो, यदि वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, यदि वो तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करेगा, तो तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। मैं तो खुदावंद निश्चित तौर पे मुझे और आपको उस अनंत काल के जीवन में ले जाना चाहता है। अगर मैं और आप विश्वास में विश्वास योग्य पाए जाते हैं, अगर मैं और आप उन परीक्षाओं में स्थिर खड़े रहते हैं, खुदाई कलाम में याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे जो परीक्षाओं में स्थिर खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट मिलेगा जिसे देने का वायदा खुदावंद ने अपने प्रेम करने वालों के साथ किया है। मैं तो ये सब परीक्षाओं के दिन है, मेरी आपके दुख, मेरी आपकी मुसीबतें, मेरी आपकी पीड़ाएं, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे वो किसी और जाति या धर्म के मनुष्य के द्वारा सताए जाने के रूप में हो, या मेरी आपकी बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, निराशा और चिंता और परेशानियों के रूप में क्यों ना हो, मेरे आपके विश्वास की परख है और मेरे आपके विश्वास की मजबूती का कारण है, जिससे कि मैं और आप परीक्षाओं में से खरे निकलें और खुदावंद मुझ और आपको जीवन का मुकुट दे। इसलिए यशाया भी मेरे अजीजों अपने विश्वासियों के उज्जवल भविष्य के लिए कहता है कि तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे।
मैं तो निश्चित तौर पर खुदावंद मुझ और आपको उस अवधि स्थान में लेके जाएगा जहां पर मेरी आपकी ज्योति, मेरा आपका सूर्य जो है मेरे जी, तो कभी उसका अंत ना होगा और मेरे आपके विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। खुदावंद मुझ और आपको वो अवधि स्थान देगा, खुदावंद मुझ और आपको वो अवधि जिंदगी देगा जहां पर आनंद ही आनंद होगा। मैं तो निश्चित तौर पर खुदावंद चाहता है कि मुझे और आपको अनंत काल के जीवन में लेकर जाए, लेकिन उसके लिए मुझे और आपको विश्वास में मजबूत रहने की आवश्यकता है। उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में मजबूत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मसीह यीशु ने मत्ती 24 और उसकी 13 में आयत में कहा, जो कोई अंत तक धीरज धरेगा सताव में, कलेश में, बीमारी में, परेशानी में, तंगहाली में, लाचारी में, मुसीबतों में और पीड़ाओं में, मसीह यीशु के नाम से सताए जाने में, जो कोई अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, जो कोई अंत तक, जो कोई अंत तक और अंत तक धीरज धरेगा, वही स्वर्ग राज का वारिस होगा, उसी का उद्धार होगा। मैं तो अगर मैं और आप चाहते हैं कि मेरा और आपका उद्धार हो, तो मुझे और आपको निश्चित तौर पे अंत तक धीरज धरने की आवश्यकता है। मैं तो अगर मैं और आप चाहते हैं कि मैं और आप उस महाकलेश से निकलें, तो इस बात को जीवन में याद रखें, मेरी आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, अगर मैं और आप विश्वास योग्य हैं, तो बिना परमेश्वर की इच्छा के कुछ हो नहीं सकता। चाहे वो मेरी आपके जीवन में मुसीबत के दिन ही क्यों ना हो, क्योंकि खुदाई कलाम में लिखा है, अय्यूब कहता है, वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। मैं तो खुदावंद की इच्छा को जब मैं और आप अपने जीवन के अंदर काबिज होने देते हैं, जब मेरे जिदों में और आप तकलीफ में होते हैं, निराशाओं में होते हैं, इस बात की बाट निरंतर जो के रखें कि उसने मारा है तो वो चंगा भी करेगा, उसने घायल किया है तो वो मुझे पट्टी भी बांधेगा, उसने मुझे दुख दिया है तो मेरे दुखों का निवारण भी करेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में ये परीक्षाओं के दिन मेरे लिए खरे निकलने के दिन हैं, कि मैं जीवन का वो मुकुट पाऊं जिसे देने का वायदा खुदावंद ने अपने विश्वास योग्य दास और दासियों के साथ किया है। प्रार्थना में अपने सर झुकाएं और दुआ मांगें। आसमान और जमीन के खालिक मालिक हमारे रचने वाले प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद बड़ी आदरतीन तौर भक्ति के साथ आपके चरणों में आते हैं। खुदावंद अपने जीवनों को आपके अनुग्रह की दृष्टि में रखते हैं। परमेश्वर, जैसा आप चाहें हम वैसे चलें। खुदावंद, सारा आदर, सारी महिमा, सारी इज्जत, सारा गौरव जिंदा खुदा को पहुंचे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हमारे खुदावंद प्रभु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता